यदा यदा विधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान मध्यमस्य तदात्मानं सुजातम्। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं और बच्चों, संसार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। आज कार्तिक मास की बड़ी अमावस्या के दिन मैं आपको सुना रही हूँ श्रीमद् भागवत गीता के इस अध्याय को। बंधुओं, कार्तिक मास में रोजाना श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण अवश्य करें, परंतु कार्तिक अमावस्या को तो श्रीमद् भागवत गीता का जो श्रवण कर लेते हैं, माँ लक्ष्मी जी की उन पर विशेष कृपा हो जाती है। सो बंधुओं, आज कार्तिक मास की बड़ी अमावस्या के दिन श्रीमद् भागवत गीता को अवश्य श्रवण करें। ऐसा करने से एक तो आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे, आपकी मुंह मांगी इच्छा पूरी करेंगे और साथ ही माँ लक्ष्मी की आप पर विशेष कृपा होगी। बंधुओं, एकाग्रचित होकर सच्चे दिल से ही श्रीमद् भागवत गीता के इस अध्याय को सुने। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं की तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, पितृदेव की जय, लक्ष्मी माता की जय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा जिसके वेद पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। हे अर्जुन, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा बड़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोंपलों वाली देव मनुष्य तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं। मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता ममता और वासना रूप जड़े भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं, परंतु इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि ना तो इसका आदि है ना अंत, ना अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहमता ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शास्त्र द्वारा काट कर इसके बाद इस परम पद रूप परमेश्वर को अच्छी प्रकार खोजना चाहिए कि जिसमें गए हुए पुरुष फिर पीछे संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से यह पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उस ही आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके नष्ट हो गया है मान और मोह जिसका, जीत लिया है आसक्ति रूप दोष जिनने और परमात्मा के स्वरूप में है निरंतर स्थिति जिनकी, अच्छी प्रकार से नष्ट हो गई है कामना जिनकी, ऐसे वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त हुए ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। उस स्वयं प्रकाश में परम पद को ना सूर्य प्रकाशित कर सकता है, ना चंद्रमा, ना अग्नि ही प्रकाशित कर सकता है। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे संसार में नहीं आते वही मेरा परम धाम है। हे अर्जुन, इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इन त्रिगुणमय माया में स्थित हुई मन सहित पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। जैसे कि वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देह आदिकों का स्वामी जीव आत्मा भी पहले शरीर को त्यागता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। उस शरीर में स्थित हुआ यह जीवात्मा श्रोत्र चक्षु और त्वचा को रसना घ्राण और मन को आश्रय करके इन सब के सहारे से ही विषयों को सेवन करता है।
परंतु शरीर छोड़कर जाते हुए को, शरीर में स्थित हुए को, विषयों को भोगते हुए को अथवा तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले ज्ञानी जन ही तत्व से जानते हैं, क्योंकि योगी जन भी अपने हृदय में स्थित हुए इस आत्मा को यत्न करते हुए ही तत्व से जानते हैं। और जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते हुए भी इस आत्मा को नहीं जानते। हे अर्जुन, जो तेज सूर्य में स्थित हुआ संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, जो तेज चंद्रमा में स्थित है और जो तेज अग्नि में स्थित है, उसको तू मेरा ही तेज जान। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ। रस स्वरूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित हुआ वैश्वानर अग्नि रूप होकर प्राण और अपान से युक्त हुआ चार प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ। मेरे से ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है। सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी यह दो प्रकार के पुरुष हैं। उनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीव आत्मा अविनाशी कहा जाता है। उन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा ऐसे कहा गया है, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ। माया में स्थित अविनाशी जीव आत्मा से भी उत्तम हूँ। इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। हे भारत, इस प्रकार तत्व से जो ज्ञानी पुरुष मेरे को पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, ऐसे यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है, अर्थात उसको और कुछ भी करना शेष नहीं रहता। ओम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम हरे राम 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 हरे हरे, हरे
राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।